ओके सो हेलो गाइस, फिर से आज के वन वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम कुछ इसी प्रकार का वीडियो एडिट करने वाले हो जो कि आप लोग वीडियो में देख ही चुका होंगे। तो आप भी इसी तरह का नया स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, और इसी तरह का नया स्टेटस वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है कैपकट, ठीक है, और एक VPN का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है सिक्योर VPN, ठीक है। तो सिक्योर VPN का आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और जो कैपकट एप्लीकेशन है, कैपकट एप्लीकेशन का लिंक मैं मेरा टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, या तो कैपकट एप्लीकेशन को ही मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिक्योर VPN को ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ओपन करोगे तो थोड़ी देर वेट करने, एक ऐड आएगा, ऐड को यहाँ से स्किप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे टैप करके स्किप कर देना है, और इसको भी ऊपर में कटआउट ऑप्शन आ जाएगा, कटआउट ऑप्शन में टैप करना है, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्टेड लिख जाएगा, तो जैसे आपको कनेक्टेड पर टैप करोगे तो ऑटोमेटिक कनेक्टेड हो जाएगा, और एक छोटा सा ऐड चलेगा तो ऐड को देख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे स्किप वीडियो लिख जाएगा ऊपर में, स्किप वीडियो पर टैप करके इसे क्रॉस पर टैप कर देना है, ठीक है। तो कनेक्टेड हो गया। तो कनेक्टेड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले कैपकट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो डाउनलोड कैसे करोगे, तो उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल को ये जाना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है टेक्निकल सोहेल, ठीक है। टेक्निकल सोहेल चैनल को ओपन कर लेना है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला एलाइट मोशन 5.0.0, ये वाला एलाइट मोशन का एप्लीकेशन का लिंक मैं दे दिया हूँ, ठीक है। और ऊपर में यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आओगे, लेकिन भाई एक काम करना, ऊपर में जो पिन मैसेज लिख के आ रहे ऊपर में, इस पिन ऑप्शन में टैप करो तो कैपकट एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है। बेस APK लिख के उसके नीचे कैपकट APK लिख के आ रहा है, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तब लोग इंस्टॉल कर लेना, तो इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कॉमेंट सेक्शन में जाना है। कॉमेंट सेक्शन में जाओगे तो पिन किया हुआ एक लिंक मिलेगा, ठीक है। तो लिंक कुछ इस तरह का दिखने के लिए मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरह का लिंक मिलेगा, ये वाला लिंक, ठीक है। ऊपर में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ओके, तो आपको लिंक पे टैप कर देना है, ठीक है। लिंक पे टैप कर देने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ी देर वेट करना है फुल आने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले वाला ये जो वीडियो है, सबसे पहले वाला टेम्पलेट को छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाला भी टेम्पलेट को छोड़ना है, ये वाला टेम्पलेट को भी छोड़ना है, तीसरे वाला जो टेम्पलेट है, ठीक है, इस टेम्पलेट को ले लेना है, तीसरे वाला टेम्पलेट को लेना है, ठीक है, ये वाला टेम्पलेट को ले लेना है, ठीक है। ऐसे देखो चारी साइड में एक कैपकट लिख के आएगा, ठीक है, चारी साइड में बैटरी का रिकॉर्ड लिख के आएगा। उसके बाद आपको यूज़ टेम्पलेट में टैप करना है, ठीक है, यूज़ टेम्पलेट में टैप करना है। यूज़ टेम्पलेट में टैप करने के बाद थोड़ी देर वेट करना है, ऑटोमेटिकली आपको क्या करना है, कुछ इस तरह का इंटरफेस में लेकर आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूज़ टेम्पलेट में जाना है, ठीक है। यूज़ टेम्पलेट टैप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन है, फोटो ऑप्शन में जाना है। फोटो ऑप्शन में जाने के बाद आप लोग जिस भी फोटो में वीडियो एडिट करना चाहते हो उस भी फोटो को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए आपको ये सबसे पहले वाला एक फोटो को ऐड करना है, दूसरे वाला फोटो, तीसरे वाला फोटो, फाइव फोटो आपको ऐड करना है, ठीक है। फाइव फोटो को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, प्रीव्यू में जाना है, ठीक है। तो प्रीव्यू में जाओगे तो ऑटोमेटिकली देखो वीडियो फुल रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट बटन पे जाना है, ठीक है। एक्सपोर्ट बटन पे जाना है, एक्सपोर्ट बटन पे जाने के बाद आपको एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क पे टैप करना है। विदाउट ऑटोमेटिक टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली देखो एक्सपोर्ट होने लगेगा, ठीक है। तो उस एक्सपोर्ट होने के लिए आपको थोड़ी देर वेट करनी, एक्सपोर्ट हो जाते तो, ठीक है। तो हम लोग थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ एक्सपोर्ट होने के लिए। ओके, तो वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए, तो एक्सपोर्ट होने के बाद आपको डन ऑप्शन में टैप करना, उसके बाद पूरा वीडियो ये को कटआउट कर देना है, ठीक है। जितना भी लेयर है सब कुछ को कटआउट कर देना। कटआउट करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, कैपकट एप्लीकेशन को फिर से ओपन कर लेना है, ठीक है। ये वाला कैपकट एप्लीकेशन को फिर से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद थोड़ी देर वेट करना है, वेट करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्कस करते रहे न्यू प्रोजेक्ट में जाना है, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट के जाने के बाद जिस भी वीडियो को आपको अभी मतलब क्रिएट किया, ठीक है, वो वाला वीडियो को सिलेक्ट करना है, ऐड पे टैप करना है, ठीक है। ऐड पे टैप करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड पे टैप करने के बाद ये वाला वीडियो को सिलेक्ट करना है। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद म्यूजिक पे जाना है, ठीक है, वॉल्यूम पे जाना है, और इसको एकदम जीरो कर देना है, ठीक है। जीरो करने के बाद राइट पे टैप करना है, और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको मतलब ऑडियो को ऐड करना है, ठीक है। तो ऑडियो को ऐड करने के लिए मेरा टेलीग्राम पे मैं मेरा ऑडियो ये जो ऑडियो है ऑडियो को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है।
मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाके ऑडियो को डाउनलोड कर लेना। मतलब एक वीडियो देगा, वीडियो को ही आपको एक्सट्रैक्ट करके ऑडियो कर लेना है, ठीक है। तो कैसे करोगे उसके लिए, ऐड वीडियो है मतलब ऐड ऑडियो पे जाना है, ऐड ऑडियो से ना एक्सट्रैक्ट में टैप करना है। एक्सट्रैक्ट में टैप करोगे तो ये वाला जो वीडियो है, ये वाला वीडियो को मैं दे दूँगा 8 सेकेंड का वाला वीडियो को सिलेक्ट करना है। इनपुट साउंड ओनली को टैप करो तो इनपुट हो जाएगा, साउंड इनपुट हो जाएगा। और लास्ट में जो एडिटिंग लिख के एक थोड़ा सा कैप कट का मतलब इंट्रो है, वाला इंट्रो का आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो डिलीट करने के बाद वीडियो फुल रेडी हो गया। आप चाहो तो एक बार प्ले करके देख सकते हो, और नहीं चाहो तो यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन मिलेगा, एक्सपोर्ट बटन पे टैप करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट बटन पे टैप करो तो ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो फुल रेडी हो गया। वीडियो फुल रेडी होने के बाद आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इसी तरह का नया नया स्टाइलिश वीडियो पाने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।